My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, in 2014, the Lord's Spirit spoke to me, every child of God should have a vision for their life. 2014 में प्रभु की आत्मा ने मुझसे बात की, परमेश्वर के हर एक बच्चे के पास उनके जीवन के लिए एक दर्शन होना चाहिए. Don't live a life on earth without a vision. पृथ्वी पर आप अपने जीवन को बिना दर्शन के ना जिए. Children of God, परमेश्वर के बच्चों, we should have a vision. हमारे पास एक दर्शन होना चाहिए. Please God, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए. Exalt God, परमेश्वर के नाम को बढ़ाई करने के लिए. To live a life according to the will of God. ताकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन को जी सके. Where there is no vision, people perish. जहाँ दर्शन नहीं होता वहाँ लोग नाश हो जाते हैं. If you don't have a real vision, अगर आपके पास एक सही दर्शन नहीं है. I am not speaking about the dreams and that vision and this vision. This is the vision that belongs to your future life. मैं स्वप्नों के विषय में बात नहीं कर रहा हूँ. इस दर्शन या उस दर्शन के विषय में बात नहीं कर रहा हूँ. मैं उस दर्शन के विषय में बात कर रहा हूँ जो आपके भविष्य के जीवन के विषय में है. Oh, the children of God, we should live with a vision. परमेश्वर के बच्चों, हमें दर्शन के साथ जीना चाहिए. If we don't have a right vision, we will waste our life on earth. अगर हमारे पास सही दर्शन नहीं है तब हम इस धरती पे अपने जीवन को बेकार कर देंगे. Our God is a God of vision. हमारा परमेश्वर दर्शन का परमेश्वर. God has a great vision for you and me. परमेश्वर के पास आपके लिए और मेरे लिए एक महान दर्शन है. Isaiah chapter 55 verse 8. यशायाह 55 अध्याय और 8 वचन. For my thoughts are not your thoughts. मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है. Neither are your ways or my ways. ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक ही है. God has a different great plan for you and me. इसलिए परमेश्वर के पास आपके लिए और मेरे लिए एक अलग से महान दर्शन है. स्कूल स्टूडेंट, स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी. अबाउट ईच पर्सन, प्रति व्यक्ति के लिए. God has a great vision about you. परमेश्वर के पास आपके लिए एक महान दर्शन है. You don't know what you are going to be. आप नहीं जानते कि आगे चल के आप क्या बनेंगे. People those who are sitting over here. जो लोग यहाँ पे बैठे हैं. Every sister. हर एक बहन. Every brother. हर एक भाई. For everyone, God has a vision. हर एक के लिए परमेश्वर के पास एक दर्शन है. About you and me. आपके लिए और मेरे लिए. Before we born on yet. इससे पहले कि हमारा जन्म इस पृथ्वी पर हुआ. Oh, when we are womb of our mother. हम अपनी माता के गर्भ में थे. God took our finger. परमेश्वर ने हमारी उंगली को पकड़ा. And he put a stamp on it. और उसके ऊपर उसने मोहर लगा दी. That is why your thumb fingerprints will never match with anybody in the world. इसीलिए आपके अंगूठे का निशान इस दुनिया में किसी दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं मिलता. It will never match with anybody in the world. वो कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं मिलेगा. Billions of people has come to this world. अरबों और खरबों लोग इस दुनिया में आए. Everybody die and go. हर एक कोई मर जाता है और चला जाता है. Your fingerprints will never match with any other person. लेकिन फिर भी आपकी उंगलियों के निशान किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कभी नहीं मिलेंगे. There is an Irish. और आपकी आंख की पुतली है. In international airports, when you go to the other nations, they will scan your Irish. जब आप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे हो और आप दूसरे देशों में जाए तब वो आपकी आंख की पुतली का स्कैन निकालते हैं. Your Irish will never match with anybody in the world. और आपकी आंख की पुतली किसी दूसरे व्यक्ति के साथ इस संसार में कभी भी मेल नहीं खाएगी. Cannot compare. आप उसकी तुलना नहीं कर सकते. Same father, mother, they four children, you cannot match them. एक ही माता पिता के अगर चार बच्चे हैं तो आप देख सकते हैं कि उनकी भी आपकी पुतलियां नहीं मिलती. Our God is a God of vision. हमारा परमेश्वर दर्शन का परमेश्वर है. He has a vision for you and me. और उसके पास आपके लिए और मेरे लिए एक दर्शन है. God called Abraham. परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया. Gave a vision to him. परमेश्वर ने उसे एक दर्शन दिया. Abraham, do you have children? उसने कहा, अब्राहम क्या तुम्हारे पास बच्चे हैं? He said, I don't have children. तब उसने कहा, नहीं मेरे पास बच्चे नहीं है. As God said, I'm going to give you children. परमेश्वर ने उसे कहा, मैं तुम्हें बच्चे देने जा रहा हूँ. Look at the sky. आकाश की ओर देखो. Look into the sky. आकाश की ओर देखो. See the stars over there. और वहाँ पे जो सितारे हैं उनको देखो. Why Lord, why should I look at? और उसने कहा, क्यों प्रभु मैं उनकी ओर क्यों देखूं? God said, if you look at the stars and count them, if you cannot count like that, I'll give you children where you cannot count them. तुम ऊपर देखोगे और इन सितारों की गिनती करोगे, तुम इनकी गिनती नहीं कर सकते. इसी प्रकार से मैं तुम्हें बच्चे दूंगा जहाँ तुम उनकी गिनती नहीं कर पाओगे. What does God is showing to Abraham? इसलिए परमेश्वर अब्राहम को अभी क्या दिखा रहा है? Abraham, look at the sky means God wants to enlarge his vision. जब परमेश्वर ने कहा, अब्राहम आकाश की ओर देखो, तो परमेश्वर उसके दर्शन को बढ़ाना चाहता है. Abraham was asking, Lord, if I have one daughter, one son is enough. अब्राहम पूछ रहा था कि प्रभु अगर मेरे पास एक बेटा या बेटी होगी तो मेरे लिए काफी है. God said, that's not enough in my way. लेकिन परमेश्वर ने कहा, मेरे हिसाब से वो काफी नहीं है. I want to bless you. मैं तुझे आशीष देना चाहता हूँ. I want to anoint you. मैं तुझे अभिषेक करना चाहता हूँ. I want to lift you up. मैं तुझे ऊपर उठाना चाहता हूँ. I want to multiply you. मैं तुझे गुणा करना चाहता हूँ.
I want to increase you. मैं तुझे बढ़ाना चाहता हूँ. You say little is enough, Lord. तू कहता है कि थोड़ा काफी है प्रभु. No. One house is enough. एक घर काफी है. My children are enough. मेरे बच्चे काफी हैं. A little education is enough. थोड़ी पढ़ाई लिखाई काफी है. God says. लेकिन परमेश्वर कहता है. I have a great plan for you. मेरे पास तुम्हारे लिए एक महान योजना है. I have a great plan for you, my sister. मेरे पास आपके लिए एक महान योजना है, मेरी बहन. Says my son, my daughter, I have a great plan for you. और वो कहता है मेरे बेटे मेरी बेटी तुम्हारे लिए मेरे पास एक महान योजना है. Listen to me. मेरी सुनोए. Obey my word. मेरी आज्ञाओं को मानो. God loves us so much. परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है. He doesn't want anybody to live a poor life on this earth. वो नहीं चाहता कि कोई भी संसार में गरीबी का जीवन जिए. He want to be blessed. वो आपको आशीष देना चाहता है. God wants you to be a blessing of channel for many people. परमेश्वर चाहता है कि आप बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बने. Channel of blessing of many people. और बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का मार्ग बनेंगे. Channel of blessing to many, many in the world. इस संसार में आप बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का मार्ग बनेंगे. So everybody should have a vision. इसलिए हम सब के पास एक दर्शन God होना चाहिए. God called Moses. Moses, you should have vision to reach, not to live in Egypt, but reach out to the Canaan. I am going to bless you. I am going to bless Israelites. जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, तो परमेश्वर ने उसे कहा, मूसा तुम्हारे पास दर्शन होना चाहिए, मिस्र में रहने का नहीं. लेकिन कैनान में पहुंचने का. When God called a small child called David, God said, I'm going to anoint you and make you a king of Israelites and you are going to rule this nation. And God gave a great vision with the anointing. परमेश्वर ने एक छोटे बच्चे दाऊद को बुलाया, तो परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे अभिषेक करने जा रहा हूँ, मैं तुझे इसराइलियों का राजा बनाने जा रहा हूँ, तू इस देश पे राज्य करेगा. तब परमेश्वर ने उसे अभिषेक के साथ एक दर्शन भी दिया. When God called fishermen, he said, you are not going to fish anymore. You are going to fishers of men. I'll make you a great person. Receive the vision first of all. जब परमेश्वर ने मछुआरों को बुलाया, उसने कहा, तुम अब से और मछलियां नहीं पकड़ोगे, अब से तुम मनुष्य को पकड़ने वाले बनोगे. मैं तुम्हें महान व्यक्ति बनाऊंगा. Chapter 4 verse 17 and 18. मत्ती 4 अध्याय 17 और 18 वचन. And 1 Samuel chapter 16 verse 7 to 13. Genesis chapter 12 verse 1 to 6. पहला सैमुएल 16 अध्याय 7 से 13 वचन तक, उत्पत्ति 12 अध्याय 1 से 6 वचन तक, एंड एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 11 टू 14, निर्गमन 33 अध्याय 11 से 14 वचन तक. God gave vision to his people. परमेश्वर ने अपने लोगों को दर्शन दिया. Genesis chapter 39 verse 1 to 23. उत्पत्ति 39 अध्याय 1 से 23 वचन तक. God said God gave a vision to Joseph. परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने यूसुफ को एक दर्शन दिया. Even Jesus Christ came to this world with a vision. और यीशु मसीह भी इस संसार में एक दर्शन के साथ आए. He came to save mankind. वो मनुष्य जाति को बचाने के लिए आया. To see that your face in heaven. देखना चाहता है कि आप स्वर्ग में प्रवेश करें. That was his heart desire. वो उसकी दिली इच्छा है. He wants to take you, every one of us, to heaven. वो हम में से हर एक को स्वर्ग में ले जाना चाहता है. And he said. और इसलिए उसने कहा. I want all my people to reach heaven. मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी लोग स्वर्ग में पहुंच जाएं. So joy of love will come to you. इसलिए प्रेम का आनंद आपके अंदर आएगा. When you open your heart and say, Jesus, come into my heart. तब आप अपने हृदय को खोल के कहते हैं, यीशु मेरे हृदय में. Joy will come not from the wine bottle, not from the adulterers, not from a fornication, not from movies, but the joy comes from the creator of heaven and earth. आनंद आएगा वो शराब की बोतल से नहीं आएगा, ना कि व्यभिचार से, ना ही गंदे कामों से, ना ही सिनेमा से. आनंद आएगा उससे जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है. Joy of love. प्रेम का आनंद. Joy of repentance. Today if you repent, your heart will fill with a great joy that nobody can give you. पश्चाताप का आनंद. अगर आज आप पश्चाताप करते हैं, तो आपका हृदय महान आनंद से भर जाएगा. The joy of faith. विश्वास का आनंद. When your faith increases, you will have great joy. जब आपका विश्वास बढ़ेगा, तब आपको महान आनंद मिलेगा. You have nothing in your pocket, no problem. You will be joyful. आपकी जेब में कुछ भी नहीं है, कोई समस्या नहीं होगी, आप फिर भी आनंदित रहेंगे. Joy of serving God. परमेश्वर की सेवा करने का आनंद. Joy of serving others. दूसरों की सेवा करने का आनंद. Many people asked Mother Teresa, what novel you read? एक बार कुछ लोगों ने पूछा, मदर तेरेसा आप कौन सा नॉवल पढ़ते हैं? And what is the book you like very much? और कौन सी किताब है जो आपको बहुत पसंद है? Whose life inspired you to submit yourself or surrender yourself and you have dedicated, committed yourself for to serve people? किसके जीवन ने आपको प्रेरित किया कि आपने अपने आप को इस काम के लिए दे दिया, लोगों की सेवा के लिए? You are in young life, you are so beautiful. आपके जवानी के दिनों में आप बहुत ही खूबसूरत है. Then why didn't you marry? तो फिर आपने शादी क्यों नहीं की? She said. उसने कहा, I have a great vision. मेरे पास एक महान दर्शन है. To please my God. मेरे परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए. I read only one novel. मैं केवल एक ही नावल को पढ़ती हूँ. Dearly loved, that is Bible. जो मुझे बहुत ही प्रिय है, वो बाइबल है. I read the holy Bible. मैं पवित्र बाइबल को पढ़ती हूँ. And she said that only one person inspired my life to commit and surrender and to serve people. और उसने कहा, केवल एक ही व्यक्ति ने मुझे
प्रेरित किया कि अपने जीवन को मैं समर्पित करूं लोगों की सेवा के लिए. जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह, ही सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ ऑन द क्रॉस. उसने अपने जीवन को सलीब पे कुर्बान किया. व्हाई डोंट आई सैक्रिफाइस माय लाइफ फॉर द पीपल. मैं अपने जीवन का बलिदान लोगों के लिए क्यों नहीं दे सकती. टू सर्विंग गॉड एंड सर्विंग पीपल. परमेश्वर की सेवा करना ही लोगों की सेवा करना है. जॉय ऑफ प्यूरिटी, पवित्रता का आनंद. मेनी पीपल आर नॉट अंडरस्टैंड द जॉय ऑफ प्यूरिटी. बहुत सारे लोग पवित्रता के आनंद को नहीं समझ पाते. यू शुड हैव द जॉय ऑफ प्यूरिटी. हम सबके पास पवित्रता का आनंद होना चाहिए. देयर इज अ ग्रेट जॉय व्हेन यू लिव होली लाइफ. आपको महान आनंद होगा जब आप पवित्र जीवन जिएंगे. गॉड विल गिव यू होली लाइफ. परमेश्वर आपको पवित्र जीवन देगा. आई इनवाइट द होली स्पिरिट ऑफ गॉड, ही विल गिव यू. मैं परमेश्वर की पवित्र आत्मा का आह्वान करता हूँ, वो आपको जॉय ऑफ सैक्रिफाइस, बलिदान का आनंद. व्हेन वी गिव ऑफरिंग्स, देयर इज अ ग्रेट जॉय. हम दान देते हैं तो वहाँ महान आनंद होता है. People they give and they worry. कुछ लोग देते हैं और चिंता करते हैं. That will lose the blessing. इस तरह वो उनके आशीर्वाद को, उनके आशीष को खराब कर देता है. When you give, you should be happy. जब आप देते हैं आपको प्रसन्न होना चाहिए. अगर आप बिस्किट देंगे तो वो बहुत खुश होगा, वो है कुत्ता. और अगर आप देखें 6 महीने बाद भी वो आपको देखेगा, आपने उसको बिस्किट दिया था, वो याद करेगा और दुम हिलाता हुआ आपके पास आएगा. लेकिन एक व्यक्ति है, उसको कितना भी देंगे फिर भी वो कहेगा कि तुम्हारे बाप ने क्या दिया. कौन है वो? है दामाद. दामाद को कुछ भी देंगे उसको संतुष्टता नहीं होगी. परमेश्वर के बच्चों हमें दुख देने वालों के समान नहीं होना चाहिए. आज के दिनों में बहुत सारे मसीहों के जीवन में बहुत सारे उस ज्योति को खो दिए हैं. परमेश्वर की बात को ना मान के, पास्टर जी की बात को ना मान के, दहेज दोगे या मरोगे, घर जाओगे या रहोगे, ऐसी बातें करने वाले बहुत सारे लोग हैं. अपने पति को आदर ना देते हुए बात करने वाले बहुत सारे लोग हैं. What type of vision we have? Some people have a vision, little vision. Just to have love somebody and get married with somebody. आपका दर्शन कैसा है? कुछ लोगों के पास छोटा दर्शन है और उनका दर्शन है कि वो किसी से प्रेम करें और उसके साथ शादी कर लें. That is not a great vision. Always. वो महान दर्शन नहीं है. हमेशा हम सोचते रहते हैं वो लड़की कब हमें दिखाई देगी, वो मेरे पीछे आए तो अच्छा होगा प्रभु. ये बेकार के, व्यर्थ के दर्शन है. इन्हें बंद कर दीजिए. जो आपको करने वाला काम है वो कीजिए. प्रार्थना करके जब आप आगे जाएंगे परमेश्वर आपको सही पत्नी जरूर देगा. कुछ लोगों के दर्शन बहुत ही छोटी सोच के होते हैं और वो बहुत सारे समय छोटे छोटे दर्शनों में लगाते हैं एक छोटे कामकाज शुरू करने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव दिस विजन. परमेश्वर के बच्चों सबसे पहले आपके पास ये विजन टू प्लीज गॉड द क्रिएटर हु क्रिएटेड यू, हु हैज गिवन यू फिंगरप्रिंट्स, हु हैज ट्यून योर हार्ट, हु हैज गिवन एवरी ऑर्गन इन योर बॉडी. ऐसा दर्शन कि आप परमेश्वर को प्रसन्न करें. आपका बनाने वाला जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको उंगलियों के निशान दिए हैं, जिसने आपको हृदय दिया है, जिसने आपके शरीर के अंदर का हर एक अंग आपको दिया है. Children of God, परमेश्वर के बच्चों, the vision will bless you. वो दर्शन आपको आशीष देगा. And everybody God called, he has given a vision to them. Through that vision they reached out God. हर एक को जिसको परमेश्वर ने बुलाया उसने हर एक को एक दर्शन दिया है और उस दर्शन के द्वारा वो परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं. Now God's word. परमेश्वर के वचन से प्रेम कीजिए. Psalms 119 verse 97. भजन संहिता 119 और उसका 97 वचन. Hit God's word in your heart. 119 Psalms 11. 119 भजन संहिता उसका 11 वचन. परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में छुपाए रख. Confess God's word and confess all your sins. Psalms 51 verse 3. मान के उसको अंगीकार करके परमेश्वर की वचन को माने. भजन संहिता 11 Loud God and praise God. Psalms 139 verse 14. परमेश्वर से प्रेम करें और उसकी स्तुति करें. भजन संहिता 139 उसका 14 वचन. God had his heart and tongue. He was very careful about his tongue. Psalms 39 verse 1. अपने हृदय की रक्षा करो, अपने हृदय की और अपनी जीभ की रक्षा करो. और वो अपनी जीभ के विषय में बहुत ही ध्यान देता था. भजन संहिता 39:1 वचन. Hated every false way. Psalms 119 verse 104. हर एक गलत मार्ग से ईर्ष्या करो. भजन संहिता 119:104 वचन. लाउड यूनिटी यूनिटी साम्स 133 वर्स 1. एकता से प्रेम रखो. 133 भजन और उसका 1 वचन. द चिल्ड्रन ऑफ गॉड इन दिस डेज यू शुड हैव अ विजन टू प्लीज गॉड. परमेश्वर के बच्चों इन दिनों में आपको परमेश्वर को प्रसन्न करने का दर्शन होना चाहिए. आई वांट द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड. मुझे परमेश्वर का अभिषेक चाहिए. आई वांट टू इंक्रीज माय फेथ. मैं अपने विश्वास को बढ़ाना चाहता हूं. आई वांट टू हैव अ ग्रेट फेथ एंड फॉलो द ट्रूथ. मैं चाहता हूं कि मैं महान विश्वास को रखूं और सच्चाई का पीछा करूं. I want to obey God's word. मैं परमेश्वर के वचन को मानना चाहता हूं. Obedience. आपको आज्ञाकारी होना चाहिए. Prayer life. प्रार्थना भरा जीवन. Holy Spirit of God, come upon me and give me a great vision. परमेश्वर के पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आइए और मुझे दीजिए एक महान दर्शन. Once upon a time. एक बार. I asked God. मैंने परमेश्वर से पूछा. And I prayed to God. मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की. I want to become a pilot. मैं एक विमान चलाने वाला पायलट बनना चाहता हूँ. एंड गो थ्रू द फ्लाइट्स फ्रॉम वन नेशन टू अदर नेशन. फ्लाइट में उड़ान भर के एक राज्य से, एक देश से दूसरे देश जाना चाहता हूँ. एंड व्हेन आई आस्क्ड गॉड, जब मैंने परमेश्वर से पूछा, गॉड डिड नॉट आंसर मी. परमेश्वर ने मुझे जवाब नहीं दिया. आई वाज थिंकिंग टू बिकम अ ग्रेट म्यूजिशियन. मैं बहुत महान संगीतकार बनना चाहता था. एंड देन आई वांट टू बी एथलीट.
और मैं एक महान खिलाड़ी भी बनना चाहता था। So because I used to come with the first prize in long jump and high jump and running। लंबी कूद में और ऊंची कूद में मुझे पहला स्थान प्राप्त होता था और दौड़ने में। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों। The Holy Spirit of God came upon me। एक दिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आया। He erased all my visions and he written the vision of God on my heart। उसने मेरे सभी दर्शनों को मिटा के परमेश्वर के दर्शन को मेरे हृदय पे लिख दिया। So if you receive the Holy Spirit of God, he gives you wonderful vision। अगर आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा को पाएंगे तो आपको अद्भुत दर्शन देगा। हाँ भाई, अगर तुम पायलट बन जाओगे तो इस देश और उस देश में जाओगे, लेकिन अगर ऐसा हो कि तुम पास्टर बन जाओ तब इस संसार से स्वर्ग में बहुत सारी आत्माओं को तुम लेके आओगे। इसलिए तुम पास्टर बन जाओ और पायलट मत बनो। और तब पवित्र आत्मा मेरे हृदय के अंदर से सभी दर्शनों को निकाल के परमेश्वर का दर्शन को मेरे हृदय पे लिख दिया। इसीलिए आज मैं यहाँ खड़ा होकर परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा हूँ। परमेश्वर के बच्चों, हम जो सोचते हैं वो अलग है, लेकिन हमारे विषय में परमेश्वर के उद्देश्य अलग हैं। ऐसा सोचने वाले लोग अपने हाथों को उठाइए। इफ यू आर बिजनेसमैन, यू शुड हैव विजन। अगर आप एक व्यवसायी हैं तो आपके पास एक दर्शन होना चाहिए। शुड हैव विजन। विद्यार्थियों, आपके पास एक दर्शन होना चाहिए। हाउसवाइफ, यू शुड हैव अ विजन। गृहिणी है तो आपके पास एक दर्शन होना चाहिए। पास्टर, एवांजेलिस्ट, शुड हैव अ विजन। अगर आप पासबान है, अगर आप सुसमाचार प्रचारक है तो आपके पास एक दर्शन होना चाहिए। एवरी डीकन, एवरी एल्डरली पर्सन शुड हैव अ विजन। कलीसिया का हर एक बुजुर्ग, आपके पास एक दर्शन होना चाहिए। आई वांट टू प्लीज गॉड। मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करना है। गॉड कॉल्ड अब्राहम। परमेश्वर ने अब्राहम को क्यों बुलाया? He has nothing। उसके पास कुछ भी नहीं था। गॉड ब्लेस्ड हिम। लेकिन परमेश्वर ने उसे आशीष दी। विजन, एक दर्शन के साथ प्रोवाइडेड की जरूरत को पूरा किया। इफ यू हैव विजन, प्रोविजन विल कम। अगर आपके पास दर्शन है तो आपकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। प्रोविजन विल बी सप्लाइड टू यू व्हेन यू हैव विजन। आपकी जरूरतों को पूरा तभी किया जाएगा जब आपके पास एक दर्शन होगा। इन दिस लास्ट डेज, इन अंत के दिनों में, यू शुड कैरी द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आपको परमेश्वर की उपस्थिति को अपने साथ रखना चाहिए। एवरीवन शुड हैव द फर्स्ट विजन टू प्लीज गॉड एंड फुलफिल द विल ऑफ द फादर। हर एक के पास पहला दर्शन होना चाहिए परमेश्वर को प्रसन्न करना और परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करना। लॉर्ड लॉर्ड विल नॉट इनहेरिट हेवन। जो लोग प्रभु प्रभु कहते हैं वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। दोस्तों, ओबे गॉड। लेकिन वही जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, फुलफिल द विल ऑफ द फादर, वही जो पिता की इच्छा को पूरा करते हैं, दे विल इनहेरिट द हेवन, वही स्वर्ग के राज्य को पाएंगे। मत्ती चैप्टर 7 वर्स 22 to 27, मत्ती 7 अध्याय 22 से लेकर 27। कैरी द प्रेजेंस ऑफ गॉड विद यू। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति को अपने साथ लेके चलें। कैरी द आर्क ऑफ गॉड विद यू। और परमेश्वर के वाचा के संदूक को भी अपने साथ लेके चलें। द पावर ऑफ गॉड कम अपॉन यू माइटीली। और परमेश्वर की सामर्थ को आपके ऊपर बहुतायत से आने दें। जीसस क्राइस्ट केम टू दिस वर्ल्ड। यीशु मसीह संसार में आए विद अ विजन, एक दर्शन के साथ। सेव एवरी मैनकाइंड, हर एक मनुष्य को बचाने का दर्शन। सेव मैनकाइंड, ही केम टू दिस वर्ल्ड। मानव जाति को बचाने के लिए वह संसार में आया। एंड ही वांट टू टेक ऑल ऑफ अस टू हेवन। और वो हम सबको स्वर्ग में ले जाना चाहता है। दिस इज कमिंग सून। यीशु जल्द आने वाला है। ओ चर्च इज स्लीपिंग नाउअडेज। ओ आजकल कलीसिया सो रही है। वेक अप द चर्च। कलीसिया को उठाएं, जगाएं। एवरी स्लीपिंग क्रिश्चियन शुड वेक अप। हर एक सोता हुआ मसीह जाग जाए। इफ यू आर डूइंग अ सिन, इफ यू आर लिविंग इन सिन, से गुडबाय टू द सिन एंड कम बैक टू जीसस। अगर आप पाप कर रहे हैं, पाप में जी रहे हैं, तो पाप को आप अलविदा कह के यीशु के पास जाएं। गॉड इज गोइंग टू गिव यू अ ग्रेट विजन। और परमेश्वर आपको एक महान दर्शन देगा। एंड ही विल सप्लाई ऑल योर नीड। और वो आपकी सभी जरूरतों को पूरा करेगा। गिव यू गुड हेल्थ। वो आपको अच्छी सेहत देगा। इफ यू हैव दिस थ्री विजन। अगर हमारे पास ये तीन दर्शन है, फुलफिलिंग द विल ऑफ द फादर, पिता की इच्छा को पूरा करना, एंड विलिंग द सोल्स फॉर जीसस एंड वर्किंग फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, यीशु के लिए आत्माओं को जीतना और परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करना, एंड द थर्ड विजन टू रीच हेवन, और तीसरा दर्शन है स्वर्ग में पहुंचने का, रियल जेरुसलेम, असली यरूशलेम में, दैट शुड बी आवर विजन एंड प्रे फॉर दैट। वो हमारा दर्शन होना चाहिए और हमें उसके लिए God shall supply all your needs, my brother. परमेश्वर आपकी सभी जरूरतों को पूरा करेगा मेरे भाई। Matthew chapter 6 verse 31 and 32 says, seek ye first the kingdom of God, then everything shall be added unto you. मत्ती 6 अध्याय 31 और 32 वचन कहता है, पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो, तब ये सभी वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। God will add it. अगर आपको एक घर की आवश्यकता है, परमेश्वर आपको देगा। If you need a pregnancy, God will add it. अगर आपको एक बच्चा चाहिए तो परमेश्वर आपको देगा। Need a job, God will add it. अगर नौकरी चाहिए तो परमेश्वर आपको देगा। Oh, if you need any blessings, God will add it. आपको कोई भी आशीष चाहिए, परमेश्वर आपको देगा। It is possible with God. ये परमेश्वर के लिए संभव है। It may be impossible in your sight. हो सकता है कि आपकी नजर में यह असंभव हो। Everything is possible with God. Mark chapter 10:27. लेकिन सब कुछ परमेश्वर के लिए संभव है। मरकुस उसका 10 अध्याय उसका 27 वचन। If you can believe that Jesus and pray, everything is possible. He who believes in Jesus. अगर आप यीशु पे विश्वास करेंगे और प्रार्थना करेंगे, उसके लिए जो यीशु पे विश्वास करता है, सब कुछ संभव है। So how many will give your heart to God? तो कितने लोग परमेश्वर को अपना हृदय देंगे? And how many would like to have a vision? और कितने लोग एक दर्शन को पाना चाहते हैं? Lift up your hand. अपने हाथों को उठाएं। Say, Lord, I want to live with the vision. और कहें, प्रभु, मैं एक दर्शन के साथ जीना चाहता हूँ। Those who say that, keep one hand on your chest. जो ऐसा कहते हैं, वो अपना एक हाथ अपने सीने पे रखें। Lord, when you called Moses, Abraham, Jacob, Joseph,
even fishermen, everybody who have given a vision, fill them with the Holy Spirit, my God. Prabhu, jab tune Musa aur Abraham ko bulaya, Yaqub ko, Yusuf ko, aur machuaro ko bhi, har ek ko tune ek darshan diya, unhe pavitra atma se bhar de mere Prabhu. Pour out your Holy Spirit, my God. Mere Parmeshwar unke upar apni pavitra atma. Anoint your people, my Jesus. Mere Yeshu apne logon ko abhishek kar. Teach them how to live for God. Unhe sikha ki Parmeshwar ke liye kaise jeena hai. Every struggle mein leave their life. Har ek tarah ke pareshaniyan unke jeevan ko chhod de. Every financial troubles mein leave them. हर एक आर्थिक समस्या है उन्हें छोड़ के चली जाए। Oh Lord, what miracle they need, let them receive it. चमत्कार उन्हें चाहिए परमेश्वर होने दे कि वो उसे पा लें। आप लोग भी जोर से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे एक दर्शन चाहिए, मुझे वो दर्शन दे प्रभु, वो दर्शन में मैं तेरी इच्छा को पूरी करूं। प्रभु तेरी इच्छा को पूरा करना है मुझे, तेरे राज्य की स्थापना के लिए, मुझे और मेरे परिवार को इस्तेमाल कर, मेरे जीवन को इस्तेमाल कर प्रभु, तेरी कलीसिया की स्थापना के लिए, आत्माओं को बचाने के लिए, परमेश्वर के काम में हिस्सा देने के लिए, मेरे सभी गुणों को, मेरे पैसे को, मेरे ज्ञान को, मेरी बुद्धि को, मुझे अपने ज्ञान से भर दे, मुझे इस्तेमाल कर, मुझे अपनी बुद्धि से भर दे, मुझे इस्तेमाल कर, अपनी कृपा से भर दे, तेरे राज्य के सुसमाचार के लिए मुझे भी इस्तेमाल कर, सभी बीमारियों से, रोगों से, बीमारियों से, श्रापों से, शैतान के कामों से छुटकारा यीशु के नाम से आने के लिए। आश्चर्यों को मैं देखूंगा, अद्भुत कार्यों को मैं देखूंगा, छुटकारे को मैं अनुभव करूंगा, मैं प्रभु के लिए इस्तेमाल होऊंगा। पिता, कुछ हो या ना हो, मेरा दर्शन केवल यही है कि मैं स्वर्ग में पहुंचूं, उस पिता का चेहरे को देखना चाहता हूं, मेरे परमेश्वर के पास मुझे पहुंचना है, यीशु से बात करना है, स्वर्ग में अति पवित्र परमेश्वर को देखना है, अपना हाथ बढ़ा के तुमसे हाथ मिलाना है, स्वर्ग में पहुंचना है, ऐसा मैं सोच रहा हूं, यही मेरा दर्शन है, तेरे लिए इस्तेमाल होना चाहता हूं। Fill everybody with your presence, Lord. हर एक को अपनी उपस्थिति से भर दे प्रभु। Holy Spirit, come upon my people. पवित्र आत्मा मेरे लोगों के ऊपर आ। Fill, fill, fill everyone. भर दे, भर दे, भर दे सबको। Be filled with the power of God. परमेश्वर की सामर्थ्य से भर जाइए। Mighty hand of God may touch them. परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ उनको छुएगा। Everyone knows who need deliverance, receive it. हर एक कोई जो छुटकारा चाहता है वो उसे पाले। Sick people be healed. बीमार चंगाई पाए। Head till the bottom of their feet be healed. सिर से लेकर उनके पांव के तले तक चंगे हो जाए। Cancer go. कैंसर बाहर निकल जाए। टीबी go. टीबी चली जाए। अस्थमा लीव। अस्थमा भी उन्हें छोड़ दे। Every sickness come out. हर एक बीमारी बाहर आ जाए। Problem in the womb go. गर्भ की समस्या ठीक हो जाए। Baby and mother be protected. माता और बच्चे सुरक्षित रहें। बीपी शुगर बी कंट्रोल्ड इन द नेम ऑफ जीसस। बीपी और शुगर यीशु के नाम से। And all my people may have good health. बोलने की मेरे सभी लोग अच्छी सेहत को आए। Strength. अच्छी शक्ति उनको मिले। Financial blessing. आर्थिक आशीष। And all the debts be clear. उनके सभी कर्जे खत्म हो जाएं। Miracles after miracles may happen. चमत्कार के बाद चमत्कार हो। Broken families come on in Jesus name, let them be united. यीशु के नाम से टूटे हुए परिवार जुड़ जाएं। Hatred spirit come out of husband and wife, let them love each other. ईर्ष्या की आत्मा पति और पत्नी से बाहर आ जाए, होने दे कि वो एक दूसरे से प्रेम करें। एक हाथ हृदय पर रखिए और एक हाथ सर पे रखिए। यीशु के नाम से आपके सिर पे प्रभु का आशीष आने के लिए। In all the areas in this people, those who have prayed, let them see miracles. हर एक विषयों में ये लोग जिन्होंने प्रार्थना की है, होने दे कि वे चमत्कारों को देखें। In Jesus name I pray. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। Amen. Amen. My name is Princy Grace and I'm doing my MBBS second year. Since 5 years, I used to not see properly without these pets. I used to have lot of headache if I will not keep these pets. But as soon as brother told to stand up, I was just praying, Lord, please heal me because I need to read a lot and I want to become a surgeon. And if I don't have proper eyesight, I really can't become that. As I was praying, tears were rolling down my eyes and I was really feeling like to cry a lot. After the prayer, I could see clearly without using these pets. God heal me right now. Praise the Lord. My name is Mrs. Mary and this is my sister-in-law. And 14th of September, she had high BP and she was admitted in the Yashoda hospitals. But the doctor said immediate surgery. And there was a bleeding in a right side of her brain. And I immediately contacted brother Sunday. Next morning, I came to brother and I met him. And he prayed, he said, nothing to worry. After the prayer, there was a lot of improvement in her. She was able to recognize people and she was shifted to a general ward. And really, God is so faithful. And within 3 days, she got back her memory. And God has given her the grace to go back to school. She's a teacher in the government school. I praise and thank God for this wonderful ministry, for this great man of God who is really praying so fervently for all of us. This life-changing revival
It's indeed a life-changing revival center. So every Sunday I come here and there is some changes taking over in our lives. I thank God for this wonderful opportunity and this great man of God. This is my glass I was using for 4 years. But when I came here, I can't see people who are near also. But when brother was praying right now for the sight of the eye, immediately one light has came upon my eyes and immediately I got little deliverance. I can see the people who are standing and sitting right in front of me. Jesus healed me right now. She is wearing a white dress. No, she's wearing pink color dress. शांति का राजा है यीशु मुक्ति का दाता है तेरी महिमा हम गाए सदा